हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा पुलिस की भर्ती के जो फॉर्म है 6,000 पदों के लिए स्टार्ट हो गई हैं और 21 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। 12वीं पास, सीईटी पास, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के बार बार कॉल आ रहे हैं, कम से कम भी आज मैं 200 फोन कॉल है वो अटेंड कर चुका हूँ। 200 फोन कॉल केवल इन्हीं पॉइंट के ऊपर, और कम से कम भी 1,000-1,200 कमेंट आए हुए हैं केवल इन्हीं बातों के ऊपर। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम, यदि इतनी कॉल और इतने मैसेज आ रहे हैं तो ये बच्चों की प्रॉब्लम पाएगी और इसको हमें क्लियर करना चाहिए, दूर करना चाहिए, और प्रॉब्लम का समाधान करना ही तो केटीडीटी, आपको पता है। तो यहां पर दोस्तों देखते हैं, तो सबसे पहले है बीसी का कागज कौन सा लगेगा। तो बीसी का कागज, चाहे आप बीसी ए से हैं चाहे आप बीसी बी से हैं, आपको कागज नया बनवाना है। नया कौन सा है वो एक बार देख लीजिएगा। बीसी का कागज नया बनवाना है, नया कौन सा कह रहा हूं मैं यहाँ पे, बीसी ए हो चाहे बीसी बी हो दोस्तों, ठीक है। यदि आपने कागज बनवा रखा है 1 अप्रैल 2023 को, यदि आपका बीसी ए का कागज 1 अप्रैल 2023 को आपको मिला हुआ है, इश्यू डेट आपकी ये है, तो आपका चल जाएगा जी, फॉर्म में चल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपका 5 अप्रैल का है, 5 अप्रैल 2023 का है, तो भी चल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका 10 दिसंबर 2023 का है तो भी चल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका 5 फरवरी 2024 का है तो भी चल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। कब नहीं चलेगा? यदि आपका भाई 23 मार्च 2023 का है तो ये नहीं चलेगा जी, क्योंकि ये आपका हो गया 2022-23 का, आपको चाहिए कौन सा 2023-24 का। क्लियर है जी? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इस बात के कि भाई जो 1 अप्रैल से पहले का है वो आपका नहीं चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का है वो आपका चलेगा अब तक का। यदि आप अब बनवा लोगे, आज बनवा लोगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले बनवा लिया, फॉर्म भर दिया, आपका वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है जी, आपका वो वैलिड माना जाएगा। सेम यही पॉइंट आपका किस में आएगा? सेम यही पॉइंट आपका जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला है, सेम आपका ईडब्ल्यूएस वाला मामला है, उसमें भी सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी दोस्तों, यही रहेगी। 1 अप्रैल 2023 से लेके अब तक का चल जाएगा और पहले वाला नहीं चलेगा। यानी कि दोस्तों ईडब्ल्यूएस में भी आपकी यही कंडीशन रहेगी, ईडब्ल्यूएस में भी आपकी यही कंडीशन रहेगी। क्लियर है जी? बीसी ए, बीसी बी और ईडब्ल्यूएस के लिए सेम कंडीशन है। अब दोस्तों जो बीसी ए है और जो बीसी बी है, ठीक है, जो बीसी ए है और बीसी बी है, यदि कोई शादीशुदा महिला है, कोई शादीशुदा महिला है, उसको ये कागज बनवाने हैं अपने, तो इसमें पेरेंट्स का नाम होना चाहिए दोस्तों, पेरेंट्स का, यानी कि आपके जो रियल माता पिता है उनका नाम होना चाहिए, हस्बैंड का नाम नहीं होना चाहिए आपके बीसी ए और बीसी बी के कागज में। ईडब्ल्यूएस वाले में ये कंडीशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाले में ये कंडीशन नहीं है। क्लियर है जी? बीसी ए, बीसी बी यदि शादीशुदा महिला है उसको अपना नया कागज बनवाना है तो वो आपके पेरेंट्स के नाम वाला बनवाए, ना कि हस्बैंड के नाम वाला। हस्बैंड के नाम वाला अब नहीं चलेगा। क्लियर है जी? तो बीसी ए और बीसी की बात, आपकी बात पूरी हो गई है जी। अब हम वापिस चलते हैं जी, अब बात आती है डोमेसाइल की। डोमेसाइल के लिए एचएसएससी की जो वेबसाइट है, पुलिस भर्ती की जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा कि भाई नया बनवाना पड़ेगा। डोमेसाइल के बारे में कहीं पर भी कोई भी बयान या कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जी। डोमेसाइल के बारे में मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा, यदि आपका डोमेसाइल हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, क्या है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो डोमेसाइल है आपका, डोमिसाइल है, यदि ये फैमिली आईडी के बेस बना हुआ है
तो आपका ओके है जी, चाहे कभी का हो, चाहे 2018 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि फैमिली आईडी वाला नहीं है तो आप उसको नया बनवा लो। फैमिली आईडी वाला नहीं है तो आप नया बनवा लो, अभी टाइम है आपके पास, और 1 घंटे का काम है। असल में आपको, मतलब ये मान के चलिए कि आप फॉर्म भर के आओगे, हो सकता है 10 मिनट में भी आपको डोमिसाइल आपको इश्यू हो जाए। तो फैमिली आईडी के बेस वाला लगा लो आप, ये मेरा सुझाव है। बाकी एडवर्टाइजमेंट में डोमिसाइल के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है जी, डोमिसाइल की बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है, एससी का कागज कौन सा लगेगा। अब बात आती है एससी के कागज की। तो एससी के बारे में इन्होंने कोई भी हिदायत नहीं दे रखी कि आपको नया बनवाना है या पुराना चल जाएगा। तो आपके पास एससी का सर्टिफिकेट फैमिली आईडी से बना हुआ है, एससी का सर्टिफिकेट फैमिली आईडी से बना हुआ है तो वो चल जाएगा जी, चाहे वो कभी का हो, ठीक है। एससी वाले ध्यान दे, आपके लिए लिखित में कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यदि आपका फैमिली आईडी वाला नहीं है तो आप नया बनवा लो एससी वाले भी। फैमिली आईडी के बेस पे है तो आपका वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो एससी का भी समझ में आ गया, डोमेसाइल का भी समझ में आ गया, ईडब्ल्यूएस का भी समझ में आ गया, बीसी का भी समझ में आ गया। अब आती है नो जॉब की बात। नो जॉब वाला जो कागज है ये कौन सा लगेगा, नो जॉब वाला। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा दोस्तों। हमारे पास हरियाणा पुलिस भर्ती की हम तैयारी भी करवाते हैं, हम हरियाणा पुलिस की तैयारी भी करवाते हैं। केटीडीटीएफ पे पूरी टीम है, एक्सपर्ट है अपने अपने सब्जेक्ट में, तो ये टीम आपकी तैयारी करवाएगी। सीईटी की तैयारी, अगला सीईटी आपको होना है जुलाई अगस्त में होना है, उसकी तैयारी करनी है तो भी पूरी की पूरी टीम है। हरियाणा पुलिस का पेपर देना है उसके लिए भी पूरी की पूरी टीम है, ठीक है। इसकी फीस दोस्तों 25 फरवरी के बाद ज्वाइन करोगे तो 3,000 रुपये फीस है। यदि 25 फरवरी यानी आज ज्वाइन करोगे, आज 25 तारीख है, यदि आप आज ज्वाइन करोगे तो 1,666 रुपये फीस है। लेकिन जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और वो कूपन कोड लगा लेंगे NEW, ये कूपन कोड लगा लेंगे NEW बड़े अक्षरों में, ये बैच आपको 999 रुपये में मिल जाएगा, मात्र 999 रुपये में, ठीक है ना। 25 फरवरी के बाद 3,000 हो जाएगी। बिना कूपन कोड लोगे तो 1,666 है आज, और कूपन कोड आज लगा दोगे तो 999 में, ठीक है। अब सीईटी में भी सेम यही कूपन कोड काम करेगा, यही प्रोसेस है, और इसके अंदर लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हो, क्लास को लैपटॉप पे भी देख सकते हो, क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हो, क्लास की स्पीड आप 4 गुना तक कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं। आप केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, अपना ऐप है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हो सकता है आपको कोई समस्या आए, फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई समस्या आए, बैच ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई समस्या आए, कोई भी जानकारी आपको लेनी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, डायरेक्ट मेरे पास कॉल कर लीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उस प्रॉब्लम का समाधान आपका किया जाएगा, चाहे वो फॉर्म भरने से रिलेटेड है, चाहे वो आपके कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे जी। आज फीस मात्र 999 है जी, क्लियर है जी। अब हम चलते हैं जी, नो जॉब का कागज कौन सा लगाना है। तो नो जॉब का जो कागज लगाना है दोस्तों, नो जॉब का जो कागज लगाना है वो आपका कौन सा चल जाएगा जी, सेल्फ अटेस्टेड चल जाएगा जी। नो जॉब का कागज हरियाणा पुलिस की भर्ती में सेल्फ अटेस्टेड चल जाएगा जी, सेल्फ अटेस्टेड। किसी और के, तहसीलदार के, पटवारी के, नंबरदार के साइन नहीं करवाने, हरियाणा पुलिस का फॉर्म जो आप भरोगे उसमें खुद के साइन कर लेना, आपका चल जाएगा जी, ठीक है जी, वो आपका चल जाएगा जी। अब बात यह आती है कि भाई तहसीलदार के लिखे इसमें तो नीचे आप जाओगे तो भाई वो आपको, जब आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी नौकरी की ज्वाइनिंग करोगे ना, उस टाइम पे आपको कौन सा चाहिए, तहसीलदार वाला चाहिए, अभी कौन सा चाहिए, सेल्फ वाला, ठीक है जी, अभी खुद के साइन वाला चलेगा। अब भरना कैसे है जी वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यहां पे आपका नाम आएगा जी, यहाँ पे भाई आप सन हो या डॉक्टर हो वो एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप अपना फादर
का नाम है वो लिख दीजिएगा, आपकी उम्र कितनी है स्टैंडर्ड उम्र आप लिख दीजिए। भाई इन्होंने बोला है भाई 1 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024 को आपकी डेट कितनी होती है, या आज के अकॉर्डिंग आप डेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड जो एज है, भाई मैं 20 साल का हो गया, 25 का हो गया, 30 का हो गया, कितने का हो गया, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यदि आपको एज काउंट करनी है हरियाणा पुलिस के लिए, भाई 1 फरवरी 2024 को आपकी एज कितनी बनती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी वेबसाइट है ktdtonlineeducation.com/age, ये आप वेबसाइट ओपन करोगे तो इससे क्या होगा, वहां पे जाओगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे और आप एंटर करोगे 1 फरवरी 2024, आपकी वो कैलकुलेट कर देगा आज आप कितने दिन के हो, 1 फरवरी को कितने महीने के हो, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा हाँ भाई आप हरियाणा पुलिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। क्लियर है जी? तो यहाँ पे नाम ये सेलेक्ट कर लेना, आप सन हो या डॉटर हो, यहाँ पे फादर नेम चाहे इसमें लिख देना चाहे इसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिखने की कोशिश कीजिएगा उम्र आपकी कितनी हो गई, 20, 21, 22, वो आप लिख दीजिएगा। रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप अपने शहर का नाम डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद में दैट आई हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इन एसएससी अगेंस्ट कैटेगरी नंबर, तो यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है आप मेल कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैटेगरी नंबर 1 है, फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैटेगरी नंबर आपकी 2 हो जाएगी, और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपकी क्या है 1/2024 है, 1/2024, 1/2024 ही है ना एडवर्टाइजमेंट नंबर, एक बार देख लेना आप, 1/2024 ही है, ठीक है। और उसके बाद में डेटेड, यहां पे हरियाणा पुलिस की भर्ती कब आई थी, तो वो आई थी 12 फरवरी को, तो मैं एक बार इसको वेरीफाई ये कर लेता हूं कि जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, एक मिनट रुक जाइए ताकि कोई मिस्टेक ना हो, मैं चाहता ही नहीं आपका नुकसान हो मेरे भाई। तो 1/2024 है, ये रही 1/2024 है, तो एडवर्टाइजमेंट है 1/2024, कैटेगरी नंबर मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2, डेटेड क्या है जिस दिन ये भर्ती आई थी नोटिफिकेशन आया था वो आया था 12 फरवरी 2024 को। उसके बाद में माई पीपी नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर आईडी, इनमें से जो भी आपको रखना है, भाई मैं फैमिली आईडी नंबर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर लिख दीजिए और इसके ऊपर निशान लगा दीजिए, ठीक है। आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड पे निशान लगा दीजिए, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पे प्लेस आपको अपना हंसी हिसार नारायण कैथल कर जो भी लिखना है प्लेस लिख दीजिएगा। डेट जिस दिन फॉर्म भरने वाले हो उस दिन की डेट हो जाएगी। डेपोनेंट यहाँ पे आपके खुद के साइन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका जब काम कब काम आएगा, जब आप जॉब लग जाओगे अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपका ये काम आएगा, अभी खुद के साइन वाला चलेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिए हैं, कोई और पॉइंट तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नो जॉब का हो गया, डोमिसाइल का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, एससी का हो गया, बीसी का हो गया, तो सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब वापिस एक बार रिपीट करा देता हूं आपको, ये मेरा नंबर है, आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है या कोई कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। हरियाणा पुलिस की पूरी टीम है भाई अपने पास, ठीक है ना, जो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर है, ठीक है, आपको आपकी नौकरी तक पहुंचाने का काम करेंगे। लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है, डाउट सेशन भी है, सभी सब्जेक्ट है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। और 25 फरवरी के बाद इसकी फीस 3,000 हो जाएगी, और आज 1,666 रुपये है, लेकिन जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और कूपन कोड लगा देंगे NEW तो ये बैच आपको 999 रुपये मिल जाएगा। सीईटी परी में भी सेम यही काम है दोस्तों, अगले सीईटी के बेस पे, जो अगला सीईटी होगा जुलाई अगस्त में, उसके बेस पे 40,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी आपकी फीस 999 हो जाएगी जी, यदि आप कूपन कोड लगाओगे NEW, ठीक है जी। तो आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, इंतजार मत करना, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ है फॉर्म से रिलेटेड तो आप मेरे पास कॉल कर लीजिएगा, ऊपर भी मेरा नंबर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि भाई बैच कहाँ से ज्वाइन करें, बैच ज्वाइन करने के लिए आपको KTDT ऑनलाइन एजुकेशन कमेंट में पहला कमेंट है ना वो मैंने लिंक कर दिया है, वेबसाइट भी अपनी ktdtclass.com, इस वेबसाइट को यूज करके आप घर पे आपके LCD है या आप लैपटॉप है, आईफोन यूजर है तो उन पे आप ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।